वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही सिंपल सा बारबी मेकअप लुक क्रिएट करने वाली हूँ। तो पसंद आया हुआ तो इस वीडियो को लाइक करना और एंड तक देखना। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लगाया अपने फेस पर टोनर, से लगाने के बाद फेस में अब्जॉर्ब होने दिया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लगाया है मॉइस्चराइजर, इसे भी अच्छे से लगा के आपको इसी तरह इसको छोड़ देना है। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं अपना आई मेकअप। तो मैं भी पहले अपने आईब्रो को कॉम किया, फिर मैं अपने आईब्रो को फिल कर ले रही हूँ। तो आपको ना मॉइस्चराइजर लगा के इसे छोड़ देना ताकि स्किन में अच्छे से आपकी स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज कर दे। तो देखो मैंने आईब्रो फिल कर लिया, मैं यहाँ पे अपने आईलिड को कंसील कर रही हूँ। तो जब भी आपको थोड़ा हैवी आई लुक करना हो ना, तो आप पहले मेकअप के पहले आप आई लुक कर लो ताकि जो भी फॉल आउट हो आप उसे अच्छे से क्लीन कर लो। तो साथ ही साथ देखो ना, मेरे आईब्रो के नीचे मैंने थोड़ा सा इसको ना कंसील कर लिया कि थोड़ा सा ना आईब्रो थोड़ा उभर के इनहेंस दिखे। अब मैं इसे अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। तो ब्लेंड करने के बाद अब देखो मैंने यहाँ पे कॉम्पैक्ट पाउडर से इसे सेट कर लिया है। आप चाहो तो लूज पाउडर भी ले सकते हो। सो अब मैंने यहाँ से लिया ये पैलेट और मैंने इसमें से पिक किया है ये पिंक कलर। यू नो बार्बी मेकअप लुक है तो पिंक कलर तो रहना ही चाहिए, है ना। आई मेकअप पिंक ना रहे तो कैसा लगेगा। तो मैंने इसे अच्छे से अपने क्रीज में लगाया, जैसा मुझे कलर चाहिए था मैंने उस हिसाब से किया। उसके बाद मैंने कट क्रीज बना रही थी। देखो मेरे से ना यहाँ पे गलती हुई क्योंकि मैंने ना वो ब्रश का यूज़ नहीं किया था। मैंने सोचा कंसीलर के ब्रश से ही मैं कर लूँगी तो वो हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन आप लोग ये गलती मत करना, नेक्स्ट टाइम से मैं याद रखूँगी कि हम उससे करना है। तो फिर देखो मैंने जैसे जैसे उसको फिक्स किया और मैंने यहाँ पे ब्रश की हेल्प से उसको ब्लेंड किया, फिर मैंने यहाँ से ना वो सिल्वर वाले कलर जो ग्लिटर, तो सिल्वर मैंने यहाँ पे ग्लिटर लिया और उसे अच्छे से अपने आईलिड पे अच्छे से प्लेस किया। यू नो जितना मुझे चाहिए था मैंने तब तक उसको किया। काफ़ी ज़्यादा समय लग गया था इस मेकअप लुक को क्रिएट करने में। अभी तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि 7 से 8 मिनट का वीडियो है, लेकिन इस वीडियो को शूट करने में ना एक घंटा ऑलमोस्ट तो लग गया था। तो मैंने वो सिमर लगा लिया, उसके बाद फिर ना मैंने वो पिंक आई शेडो को अच्छे से उसके ऊपर ब्लेंड कर दिया ताकि कोई हार्श लाइन ना दिखे। अब मैं यहाँ पर लगा रही हूँ आई लाइनर। तो देखो आई लाइनर ना इसमें थोड़ा सा मैं विंग क्रिएट करी क्योंकि बार्बी लुक है। बहुत सारे लोग तो ना बहुत ज़्यादा विंग निकाल देते, लेकिन मैंने बहुत थोड़ा सा किया है और विंग आई लाइनर ना हो तो अच्छा नहीं लगता है। तो अब चलो आप कोई भी आई लाइनर ले सकते हो। मैंने यहाँ पे लिक्विड वाला आई लाइनर लिया है, आप स्केच वाला भी यूज़ कर सकते हो। और देखो यार, जब भी आप आई लाइनर लगाओ ना तो थोड़ा अच्छे से लगाओ, यू नो टाइम दे के, अदरवाइज वो बिगड़ जाता है। फिर देखो मैं यहाँ पे कोई भी क्या बोलते फॉल्स लैशेज वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया और मुझे डर लगता है। तो मैंने बस मैं मस्कारा से मैं अच्छे से कर लेती हूँ। तो चलो अब बारी आती है बेस मेकअप की। तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पहले लगाया प्राइमर, और प्राइमर आपको बहुत थोड़ा सा लेके लगा के अपने ऑल ओवर फेस पे अच्छे से यू नो बस क्या बोलते हैं डैब डैब कर लेना है। और उसको करने के बाद आपको फिर लगाना है फाउंडेशन। तो उसके बाद मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ NYV का 3-in-1 फाउंडेशन, और लाइक ये मुझे लाइक ओके लगा। और इसमें सीरम है, प्राइमर है, हाँ फाउंडेशन ही तीनों का मिक्स है। तो लाइक ये ओके फाउंडेशन है, मुझे ठीक लगा। मैं इसका एकदम प्रॉपर रिव्यू नहीं दे पा रही आप लोगों को, पर लाइक मुझे ठीक लगा। तो क्योंकि मैं लगा के ना इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब आपको लग रहा होगा कि काफ़ी ज़्यादा, लेकिन मुझे लग रहा था कि ये काफ़ी कम है ब्लेंड करने के बाद। तो फिर मैंने ना दूसरा फाउंडेशन एक इसके ऊपर लगाया। आप आगे वीडियो में देखना। तो अब देखो ना ये अच्छे से ना पता नहीं क्यों मुझे ब्लेंड भी नहीं हो पा रहा था, वो नहीं पता। तो फिर देखो जैसे जैसे मैंने इसको ब्लेंड किया, ब्लेंड करने के बाद फिर मुझे लगा कि नहीं ये कम हो गया है। तो मैंने NYV का ही मैंने एक और फाउंडेशन मंगाया है, तो मैंने उसको लगा लिया। तो ये देखो उसके लगाने के बाद फिर मुझे लगा कि हाँ मेरा फेस है ना ठीक लग रहा है। तो ऐसे भी मैंने लगा कि अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। सो अब हमारा ये फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड हो गया है। तो मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये किसी भी ये स्टिक कॉन्टोर यूज़ कर रही हूँ। मुझे काफ़ी डर लग रहा था ट्राई करने में, बट मैंने थोड़ा थोड़ा लगा के यूज़ किया कि मैं पहले थोड़ा थोड़ा ट्राई करती हूँ और इसके बाद देखते हैं कैसे क्या होता है। तो मैंने लगाया और मतलब ऑलमोस्ट अच्छा हो गया था। तो फिर मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड किया, बहुत आराम से ब्लेंड किया मैंने। और देखो यार मुझे ना मेकअप उतने अच्छे से आता नहीं, मैंने जो भी सीखा है ऐसे खुद से करते हुए सीखा और यूट्यूब से सीखा हुआ, तो मैं वहीं पे दिखा रही हूँ। अगर कोई गलती हो जाए तो उसके लिए सॉरी, मैं परफेक्ट नहीं हूँ मेकअप में। तो देखो मेरा हो गया ब्लेंड। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ कंसीलर। तो मुझे जहाँ जहाँ भी ना
अपने फेस पे हाई पॉइंट्स दिखाने में वहाँ वहाँ उसको ना कंसीलर्स की हेल्प से कर दे रही हूँ। तो नोज़ हो गया, तो इसको करने के बाद ना मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। अब देखो मैंने ना वहाँ पे कॉन्ट्रोल किया हुआ था, तो मुझे ना ब्लेंड करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था, बट मैंने जैसे जैसे धीरे धीरे करके ब्लेंड कर लिया और काफ़ी अच्छा मुझे मेकअप लुक जो है निकल के काफ़ी अच्छा निखर के आया था। और आई लुक मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था, ऑल ओवर मुझे मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगा था। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बताना। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब देखो मैंने पूरे मेकअप को अच्छे से यहाँ पर पाउडर सेट कर रही हूँ ताकि कोई भी क्रीज लाइन वगैरह ना बने। अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ ब्लश। तो ब्लश मैंने बहुत ज़्यादा नहीं लगाया था यू नो, क्योंकि ज़्यादा लगाने से फेस ना थोड़ा सा अलग सा ही दिखने लगता है, इसलिए मैं बहुत हल्का सा ब्लश लगाती हूँ ताकि थोड़ा बस नेचुरल लगे। अब मैंने वही पिंक कलर को लेके अपने वाटर लाइन के नीचे लगा लिया मैंने इसको। और अब मैं यहाँ पे लगा रही हूँ वाइट काजल। मैंने ना फर्स्ट टाइम वाइट काजल ट्राई किया था और उससे ना आँखें बहुत गजब की लग रही थी, अलग सी लग रही थी और थोड़ी बड़ी लग रही थी, खुली खुली सी अच्छी लग रही थी। मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था बट मुझे अच्छा लगा। मैंने इसको ये काजल मंगा के काफ़ी महीनों से रखा हुआ था बट तब मुझे ऐसा लगा नहीं कि मैं हाँ इसको ऐसे किसी वीडियो में यूज़ करूँ, तो नहीं किया। तो मैंने इसमें यूज़ किया। अब मैंने ना वो जो लोअर लैश लाइन है उसको भी मैंने अच्छे से मस्कारे से इसको वो कर लिया। करने के बाद फिर अब बारी आ जाती है हमारी हाइलाइटर की। तो जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि हाँ हाईलाइट करने की ज़रूरत है वहाँ वहाँ हाईलाइट कर लो। तो मैंने ना फोर हेड पे, नोज़ पे, अपर लिप्स, चिन और चिक बोन्स वगैरह पे और ब्रा बोन ये सब, सो इन सभी जगहों पे मैंने कर लिया था। सो अब मैंने यहाँ पे किया अपने लिप्स को मॉइस्चराइज। अब मैंने यहाँ पे लगाया है रेड लिप कलर। अब मैं इसको चेंज कैसे करूँगी मैं आपको उसको आगे बताती हूँ। मेरे पास एक पिंक लिपस्टिक थी लेकिन मुझे लग रहा था कि वो ज़्यादा मैच नहीं खाएगा तो इसलिए मैंने उसको नहीं लगाया। तो मैंने सोचा चलो ये वाली ट्रिक अपनाते हैं और देखते हैं कैसा निकल के आता है। तो पहले मैंने रेड कलर की लिपस्टिक लगाई, उसे लगा के छोड़ दिया ताकि वो ड्राई हो जाए। और ड्राई होने के बाद फिर मैंने उस पर लगा लिया डॉट डॉट करके अपना कंसीलर। तो आप देख सकते हो कंसीलर लगा के मैंने उसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया और एक बहुत ही प्यारा सा पिंक कलर निकल के आ गया। तो ये रहा हमारा फाइनल मेकअप। अब मैंने यहाँ पे ऐड कर रही हूँ वेयर कर रही हूँ इयर रिंग और ये है फाइनल लुक। कैसा लगा कमेंट बताना, पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। मुझे तो ये लुक बहुत पसंद आ रहा है, आप लोग को कैसा लग रहा है कमेंट बताना और सब्सक्राइब करना। बाय।